बीते दिनों मंदसौर में मासूम के साथ हुई हैवानियत के बाद लोगों में आरोपियों के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। गांव हो या शहर, प्रत्येक जगह एक ही मांग सामने आ रही है, वो ये कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इसी के चलते मंगलवार को सागर जिले के बांद्री में संवेदना जुलूस निकाला गया, साथ ही बच्ची के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। यह संवेदना जुलूस रानी अवंतीबाई प्रतिमा से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान डॉक्टर जयराम सिंह, मंडल उपाध्यक्ष सीताराम दांगी, फिरोज खान, धर्मेंद्र राय, धर्मेंद्र रेकवार सहित सैकड़ों ग्रामवासी शामिल रहे। वह अस्पताल में भर्ती है, हम उसकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं एवं शक्ति के प्रतीक बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और हमारा आक्रोश इसलिए है कि इस तरह के अपराध और घटित ना हो समाज में, इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के अपराधियों को सजाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए। यदि सरकारों से ना हो तो वह जनता को सौंप दें, हम लोगों को हिसाब करना आता है। हम लोगों को बहुत क्रोध है, यदि हम लोग इस तरह की घटनाओं का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले निश्चित ही बड़े होंगे और वह निसंकोच इस तरह के अपराध करेंगे।